बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अतीकु जमान, आपके सामने एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल के सिलसिले में। और आज जिस हस्ती को मैंने अपने चैनल में रिक्वेस्ट दिया आने के लिए, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन बैट्समैन फॉर ऑल द टाइम, 31 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए, जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरियां और 11 नेट सेंचुरियां बनाई हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 260 मैच, मोर देन 19,000 रन्स, 57 टाइम्स 100 एंड 91 टाइम्स 50। सो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, वसीम जाफर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अतीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं वसीम भाई। बहुत ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, और आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक होगी इंशाल्लाह, क्रिकेट के बारे में भी होगी, क्रिकेट से हटके भी होगी। तो पहले तो आप ये बताएं व्यूअर्स को कि आप COVID-19 में किस तरह आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, और क्या आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी, मैंने अभी रिसेंटली अतीक अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से जब हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च से, तो उसके 2 हफ्ता पहले ही शायद मैंने अनाउंस किया था अपना रिटायरमेंट। तो उसके बाद में कुछ कर नहीं पाया, मतलब मैं लॉकडाउन हो गया तो सब घर ही के अंदर बैठे हुए हैं। एक मैंने ऑब्वियसली अभी कोचिंग की मैंने जॉब ली हुई है उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी टीम की, तो जब ये सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाऊँगा। बांग्लादेश के लिए मैं थोड़ी कोचिंग कर रहा था, उनके अंडर 19, अंडर 17, उनकी जो यूथ एकेडमी है। तो इस बार ये सिचुएशन ऐसी रही तो मैं जा नहीं पाया। उसके अलावा किंग्स 11 पंजाब का IPL में बैटिंग कोच हूँ मैं, तो जब IPL ऑब्वियसली शुरू होगा तो उनके साथ जुड़ जाऊँगा। तो ये थोड़ी मसरूफियात है अभी आगे जो मेरे सामने है। तो जनरली बेसिकली अभी ये तो गरीब है, कुछ कर नहीं सकते मजबूरन। तो आई होप, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सिचुएशन ऑल वर्ल्ड ओवर काफ़ी अच्छी हो, जल्दी हो और नॉर्मल सी वापस आए, है ना। बहुत सारे लोग इससे तकलीफ़ में आए हुए हैं, ख़ास करके जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह से कि हालात बेहतर हो जल्दी इंशाल्लाह। सुनने में ये आया न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ के इंडिया वन ऑफ द थर्ड मोस्ट अफेक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और COVID-19 का जो डेथ रेट और इन्फेक्टेड रेट है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है इंडिया में इस वक्त? नहीं, बीच में शुरुआत तो बहुत धीरे धीरे हुई थी अतीक, ये तो मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं उसके बाद में बहुत इंडिया में अफेक्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी लॉकडाउन किया, जो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जब लीनियंसी आ गई तो लोग बाहर ना निकलना शुरू हुए और उसके बाद में रेट थोड़ा बढ़ गया जो अफेक्टेड लोगों का। और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में अधिक यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा गरीबी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा देर घर में नहीं बैठ सकते, रोज़गार के लिए निकलना ही पड़ता है उनको, उनके पीछे फैमिली है, बच्चे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट कंडीशंस है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। हाँ, मैंने तो इंग्लैंड में रहा हूँ तो यहाँ पे ही लॉकडाउन का पीरियड यहाँ पे गुजारा, तो यहाँ पे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, मगर क्योंकि यहाँ इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है इंग्लैंड की, तो उन्होंने काफी पैकेजेस अनाउंस किए थे, जो जॉबलेस पीपल हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको काफी सपोर्ट की, जिसकी वजह से काफी कंट्रोल किया COVID-19 में। आई होप पाकिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन जो चल रही है, गरीबी है इंडिया में भी और इसी तरह है, और इससे हम अपने आप को बस सेफ रखें, सफाई का ख्याल रखें, हाथ रेगुलर धोएं, और अगर आपको कोई इस तरह की सिम्टम्स हैं घर में रहें तो आई थिंक हम लोग सारे मिलके इससे फाइट कर सकते हैं। और हम लोग की जिम्मेदारी है एज अ टेस्ट क्रिकेटर कि हम लोग मैसेजेस सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें, होपफुली वसीम भाई आप भी करते होंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ वसीम भाई, आप बहुत पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी जब इंडिया की टीम से कोई स्पेशली मुस्लिम प्लेयर खेलता था तो हम लोग उसके लिए दुआएं करते थे। यकीन करें, जब आपका डेब्यू हुआ था ना तो मुझे याद है, उस वक्त मैंने तो नहीं क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेली भी थी, मगर हम लोग दुआएं कर रहे थे आपके लिए कि आप स्कोर करें। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे पाकिस्तानी खासतौर पर व्यूअर्स को कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट टाइम, मगर थोड़े से शॉर्ट टाइम में जरा आप अपनी मुश्किलात और हर्डल्स जो आपने फेस की हैं बचपन से लेके इंडिया के तक खेलने तक, वो थोड़ा सा हम लोगों को डिस्क्राइब करें प्लीज।
मेरी शुरुआत में 6 स्टैंडर्ड से हुई शुरू। मेरे जो बड़े भाई थे वो थोड़ा क्रिकेट खेलते थे क्लब लेवल पे, और मेरे फादर बहुत इंथुजियास्टिक थे क्रिकेटर के, क्रिकेट के बारे में लेके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखना और सारा मतलब क्रिकेट को फॉलो करना इन जनरल। हालांकि घर के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं थे फाइनेंशियली, बट उनका एक सपना था कि मतलब मेरे, हम लोग 4 भाई थे तो वो चाहते थे कि मतलब कोई ना कोई मतलब अच्छा क्रिकेट खेले या आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो उनका एक ख्वाब था एक तरह से। तो मेरे भाई तो खेलते ही थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ा मुझ पे तवज्जो देना शुरू की, सारे घर वालों की मेरे ऊपर ध्यान आ गया। मैंने स्कूल शिफ्ट की, उसी वजह से एक बेहतर स्कूल में गया जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता था, और वहाँ से मेरी बेसिकली थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं मुंबई के स्कूल सर्कल में अच्छा खेलने लग गया, वहाँ से फिर मुंबई अंडर 16, बॉम्बे से फिर वो मुंबई बन गया, मुंबई अंडर 16 खेला मैंने। तो जो जर्नी जनरली होती है कि अंडर 16 से अंडर 19, अंडर 19 से फिर रणजी ट्रॉफी, हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, फिर हमारे इधर जो कॉरपोरेट लेवल के भी मैचेस होते हैं बॉम्बे के अंदर, वो उसमें मैंने खेलना शुरू किया इंडियन ऑयल से, उसमें मैंने रन बनाए। तो ये बेसिकली वो 7 स्टैंडर्ड से मेरी जर्नी थी जो शुरू हुई, और वो फिर जाके 2000 में मुझे मौका मिला। पहले तो 96 में मैंने मुंबई के लिए खेला, जब संजय मांजरेकर हमारे कैप्टन थे, सचिन खेलते थे उसी टीम में, गावस्कर हमसे पहले, दिलीप वेंगसरकर, तो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ना ही सिर्फ मुंबई के बट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मुंबई ने प्रोड्यूस किए। बाद में सचिन तेंदुलकर हो गए, विनोद कांबली हो गए, और अब रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे है। तो ये बेसिकली एक कल्चर है मुंबई का, जो बैट्समैन जो मुंबई ने प्रोड्यूस किए, हालांकि जहीर खान भी यहीं से, अजीत आगरकर भी यहीं से, बट बेसिकली एक बैटिंग का कल्चर है। जैसे पाकिस्तान में कराची माना जाता है कि कराची एक बैटिंग का कल्चर है, तो मुंबई भी बिल्कुल उसी तरह से, गावस्कर हो गए, वेंगसरकर हो गए, सचिन हो गए, अभी रोहित शर्मा है, अजिंक्य, पृथ्वी शॉ है, आगे एक नाम आप सुनेंगे शायद यशस्वी जायसवाल, वो तो उसी तरह से मेरी भी जर्नी शुरू हुई। 96 में मैंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, 2000 में मुझे इंडियन टीम से खेलने का मौका मिला, 2000 से लेकर 2008 तक मैं खेला इन एंड आउट। तो बेसिकली यही जर्नी रही अतीक, कई मरतबा ड्रॉप हुए, कम बैक किया, फाइट करते रहे, और इवेंचुअली फिर 2020 में जाके मैंने रिटायरमेंट लिया। तो वसीम भाई ये बताएं, आपका फर्स्ट क्लास करियर वाज अमेजिंग, 50 एवरेज, 5700, किस तरह इतने इतना मेंटली स्ट्रांग आप, किस तरह इतनी आपने लगन के साथ फर्स्ट क्लास, मतलब आपके कमबैक्स होते रहे, आप फिर वापस आए, फिर अंदर, आपका टेस्ट करियर शॉर्ट रहा, आपकी क्वालिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से आपके 31 से पहले एक वन भी लगना चाहिए था, 131 टेस्ट होने चाहिए थे, मगर क्या वजह थी कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने एक्सीलेंट आपकी परफॉर्मेंस रही, मगर आपका टेस्ट करियर जो है वो बड़ा शॉर्ट रहा? नहीं, मुझे जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में अतीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एज अ बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देर से मैच्योर हुआ। यू नो, जनरली एक बैट्समैन होता है या स्पिनर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको टाइम लगता है मैच्योर होने। जनरली जब अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो जाहिर सी बात है उनको आपको जल्दी खिलाना होता है, क्योंकि तभी आपकी यूथ होती है, आपकी पावर होती है, फिटनेस होती है। बट बैट्समैन और मुझे लगता है स्पिनर को थोड़ा टाइम लगता है अपने गेम को अंडरस्टैंड करने के लिए। हर कोई सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं होता है, या हर कोई जो दूसरे यू नो ब्रायन लारा की तरह, कि वो अपना गेम और अपना मेच्योर्डनेस उनकी बहुत जल्दी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गेम की जो मेच्योर्डनेस है वो मुझे थोड़ी लेट हुई, और बाय द टाइम मैं अपने आप को समझ सका कि मतलब मैं कैसे रन बनाना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, मैं टीम से ड्रॉप हो गया था। और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, हालांकि 2008 में मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी मेच्योर हो गया, अभी मुझे पता है कि कैसे रन बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे अभी कभी मौका नहीं मिला। हालांकि उसके बाद भी मैंने कई मरतबा रन बनाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन बनाए उसके बाद भी, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स उन लोगों ने मेरे बियॉन्ड देखना शुरू कर दिया। गौतम गंभीर आ गए टीम के अंदर, उसके बाद शिखर धवन आ गए, उन्होंने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी, थोड़े पीरियड के लिए मुरली विजय भी खेले। तो इवेंचुअली मतलब एंड ऑफ द डे हम लोग बीइंग अ मुसलमान, हम लोग यही सोचते हैं कि अल्लाह ने जितना लिखा है उतना ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी बेहतरी होती है, तो उस चीज़ से तो मैं राज़ी हूँ। लेकिन यही वजह थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट शायद मेरा ज़्यादा लंबा नहीं हो सका, कि वो मेच्योर्डनेस मुझे थोड़ी सी लेट आई। हालांकि उससे पहले भी मैंने कई रन बनाए, 100s बनाए 2 बार टेस्ट क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका में 100 बनाया मैंने, बट
उस वक्त थोड़ी जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यंग होते हैं, रन बनाते हैं, लेकिन वो बनाया कैसा जाता है वो उसकी खबर नहीं होती। लेकिन जब पता चलता है आपको, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके बाद में फिर मौका नहीं मिला। तो आप क्या, ऐसी वजह क्या आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है कि आपको जब इतने मौके नहीं मिले उसके बाद भी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस करते रहे और रेगुलर अच्छे प्रोफेशनल तरीके के साथ खेलते रहे, तो क्या ऐसी स्ट्रेंथ थी आपके अंदर जो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है, आप अपनी हॉबीज को दूसरे तरीके से भी फुलफिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अतीक, मुझे एक तो गेम से प्यार बहुत था अपने गेम, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं जानता था अपने। जैसे मैंने कहा कि मैं 6 स्टैंडर्ड से सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहा था, हालांकि मैं एजुकेशनल में भी ठीक था, लेकिन उसको जब मैंने छोड़ दिया एजुकेशन, हालांकि मैंने ग्रेजुएशन की थी उसके बाद, लेकिन एक सीरियस तरह से मैंने उसको नहीं लिया था। मैंने ऑलवेज अपना प्रोफेशन क्रिकेट बनाया था, तो एक ही चीज़ को मैं जानता था कि यही गेम को, और यही मेरा एक तरह से ब्रेड एंड बटर था। तो इसको मैं एक तरह से छोड़ना नहीं चाहता था बहुत आसानी से। हालांकि सबका अल्टीमेट गोल होता है कि आप इंडिया के लिए खेलो और इंडिया में खेल के अच्छा करो, तो जनरली जो लोग इंडिया से ड्रॉप हो जाते हैं उनका थोड़ा कमिटमेंट लेवल, उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो मेरे साथ जनरली ऐसा नहीं था, मैं ऑलवेज चाहता था कि मैं बेटर बनूँ। जो जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं मेच्योर्ड हुआ लेटर ऑन, क्योंकि मैं चाहता था, सीखना चाहता था, ऑलवेज बेटर होना चाहता था। और मैंने ये बेंचमार्क नहीं रखा था कि मैं इंडिया को खेलूंगा तो ही मैं खेलता रहूंगा अदरवाइज, तो वो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा प्रॉबेबली प्लस पॉइंट था कि मैं इतना खेल पाया। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम बेटर। जो मैं लास्ट सीज़न था या पिछले मैचों में मैं जो करता आ रहा था, तो अपने आप को ऑलवेज बेटर बनाना चाहता था। और जब तक मतलब मेरा मोटिवेशन ख़त्म नहीं हो या मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई इंजरी हो जाए, तो वहाँ तक मैं अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता था कि मैं अपने गेम को छोड़ दूँ। तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई में आप जब खेलते हो, मुंबई जैसी टीम जो कि इतनी स्ट्रांग टीम है, तो वहाँ पे आपको वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अपना हमेशा ऊंचा रखना होता है। उसके बाद मैं मूव हो गया 2014-15 में, मैं विदर्भा चला गया एज अ प्रोफेशनल। तो जब आप प्रोफेशनल खेलते हो तो जाहिर सी बात है आपकी कमिटमेंट और अलग हो जाती है, आपको हर एक अलग रोल मॉडल की तरह देखा जाता है, आपको एक बेंचमार्क सेट करना होता है वहाँ के लोगों के लिए। तो वहाँ जाके हमने रणजी ट्रॉफी जीती, ईरानी ट्रॉफी जीती, तो वो मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेट कर गया 2-3 साल खेलने के लिए। बेसिकली यही था कि मतलब क्रिकेट खेलने में शौक था, यू नो बैटिंग करने में शौक था, रन बनाने में शौक था। नो मैटर मैं कहाँ पे खेलूँ, चाहे इंग्लैंड में खेलूँ, चाहे लैशिंग के लिए खेलूँ, या मुंबई के लिए खेलूँ, या अपनी कॉरपोरेट के लिए खेलूँ, या स्टेट क्रिकेट के लिए खेलूँ, रन बनाने का वो जुनून मेरा शायद वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। वैसे मेरे लिए बड़ी प्राउड प्राउड मोमेंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा व्यूवर से। मैंने वसीम भाई के साथ बैटिंग की है और उनके साथ मेरा इत्तेफाक हुआ है, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने आपके साथ क्रीज को शेयर किया लैशिंग के मैचेस में। याद होगा वसीम भाई आपको? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह याद है सतीक। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग की बड़ी राइवलरी है और काफी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है इंडिया पाकिस्तान के दौरान, लोग समझते नहीं इन बातों को कि हम आपस में एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी भी कितने हमारे दोस्त हैं इंडिया में जिनसे हम बातें करते हैं, सारे क्रिकेटर्स ऑफ द फील्ड एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। चंद ऐसे हैं जो इग्नोरेंसी में कभी कभी उल्टे सीधे पॉलिटिकली कमेंट्स करके हम लोगों के थोड़े बीच में दोबारा से वो तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर मोस्टली जो पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल अतिक, मुझे तो जाहिर सी बात है मेरा पहला इत्तेफाक हुआ जब मैं इंडिया ए की टीम से, मैं एक बांग्लादेश में एक साख का टूर्नामेंट होता था, तो मैं 97 में उसमें सिलेक्ट हुआ था इंडिया ए टीम में। और वहाँ पे बांग्लादेश की टीम थी, पाकिस्तान की टीम थी, श्रीलंका की टीम थी, तो वहाँ पे मेरा पहली बार इंटरेक्शन हुआ। मुझे याद है आकिब जावेद शायद वहाँ पे आए थे, मोहम्मद जाहिद थे, अख्तर सरफराज मेरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे उसके बाद, आजम खान, तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अख्तर सरफराज से तो खास कर मैं नाम लूँगा, क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात हो गए थे। मुझे बहुत दुख महसूस हुआ जब मुझे पता चला उनके इंतकाल के बारे में, कि मेरे लिए अपने लिए बहुत पर्सनली बहुत शॉक था कि इतनी यंग उम्र में इतना मेरा दोस्त इंतकाल कर गया। बट उसके बाद में भी इन जनरल हम लोग जब इंग्लैंड जाके खेलते हैं या टेस्ट सीरीज़ में खेले हैं या फिर हम लोग लैशिंग में जैसे हम लोग खेलते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से दोस्ती है कि हम लोग की। जाहिर सी बात है ग्राउंड में जब आप व्हाइट लाइन क्रॉस कर लेते हो तो बात और हो जाती है, वहाँ पे आपको जीतने हारने की बात हो जाती है, तो वहाँ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बट जब आप लाइन क्रॉस करके आ जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। मेरे खुद के पर्सनल
नो इन्जी भाई के साथ में मैं बहुत बार खेला हूँ लैशिंग में, शकी भाई हो गए, यूसुफ हो गया, राशिद लतीफ़ हो गए, यासिर अरफात मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो इन सारों के साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात है। बासित भाई के साथ बड़ी अच्छी मेरी बातचीत है, हम लोगों ने उस वक्त 97 में शायद टेस्ट सीरीज़ खेली थी इंडिया ए के साथ में, तो उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। तो मुझे लगता है कि गेम के बाहर बहुत अच्छी दोस्ती होती है, इन जन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग गेम के बाहर भी शायद उतने इंटेंस होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्समैन का काम है कि गेम तो उतने सीरियसली खेलना जब हम वाइट लाइन क्रॉस करते हैं, बट उसके बाद में तो हमारे ताल्लुकात, जैसे हम बात कर रहे हैं आज, तो हमारे ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे, बट जैसे आपने ठीक से कहा कि यू नो पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं और हमारी मैचेस नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत सैड सिचुएशन है। तो आपकी क्या कितने कितने होपफुल हैं वसीम भाई के फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज लोगों को देखने मिलेगी? मेरे ख्याल से एशेज से भी बड़ी सीरीज होती है जब पाकिस्तान और इंडिया खेलती है, और लाखों नहीं करोड़ों नहीं करोड़ों से भी ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों का आपस में खेलना? नहीं इम्पोर्टेंट तो है अतिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, खेलना भी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं है। ये जो सिचुएशंस है ये है, ये जो पॉलिटिकल मैटर्स है, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक सिचुएशन बेटर नहीं होगी, जो जो कि यू नो वेरी सैड है। हम भी चाहते हैं कि यू नो स्पोर्टिंग इवेंट्स होना चाहिए, हमारे भी ताल्लुकात बेटर होने चाहिए बीइंग नेबर्स, हालांकि हम लोग तो पहले एक ही कंट्री थे बट अभी तो नेबर्स हो गए, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा ये बताएं वसीम भाई कि आपका कोचिंग जर्नी जो है, आपने कब ऐसा डिसाइड किया कि अब मुझे कोचिंग की तरफ आना चाहिए? जैसा आपने कहा था, मेरे भी वही सिचुएशन थी कि आप ही की तरह के क्रिकेट से प्यार था, तो क्रिकेट के अलावा कोई काम आता नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि अब क्रिकेट जब एंड चल रही थी तो मैंने भी यही सोचा कि अब क्रिकेट से मुंसलिक किस तरह हूं, तो कोचिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मैं मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने भी चूज की। आपको कब ऐसा लगा कि आपको कोचिंग की तरफ आना चाहिए? अतिक लास्ट मेरे ख्याल से जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे लास्ट जो 4-5 साल थे उसमें मैं थोड़ा सा मेंटोर का रोल प्ले ही कर रहा था, जब मैं प्रोफेशनल खेल रहा था या मुंबई के लिए जब मैं सीनियर प्लेयर था तो कोशिश करता था। एक मेरी जनरली मेरा एक नेचर भी वैसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यंगस्टर्स को थोड़ा गेट अलॉन्ग करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं वो सिचुएशन से गुजर चुका हूँ कि कोई सीनियर आपसे आके बात करता है या आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ तक चला जाता है, तो मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मैंने वो रोल प्ले किया हुआ है लास्ट अपने 4-5-6 सालों में। और उसके बाद में मुझे थोड़ा कोचिंग करने का भी मौका मिला मुंबई के अंदर थोड़ा बहुत, फिर मुझे बांग्लादेश से ऑफर हो गई 2 साल पहले कोचिंग करने के लिए, विच आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत कुछ मैंने वहाँ पर भी सीखा। विदर्भ के लिए जब मैं खेल रहा था लास्ट 2-3 साल, वहाँ पर मैंने बहुत लोगों को थोड़ा हेल्प किया यंगस्टर्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉबेबली मेरा नेक्स्ट एक्सटेंशन था, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब जो मैं एंजॉय भी करता था कोचिंग से। और जब आपने 25 साल आपने क्रिकेट खेली हो तो जाहिर सी बात है आप चाहते हो, जैसे आपने कहा कि ना क्रिकेट से जुड़े रहना आप चाहते हो, चाहे आप एक्सपर्ट कमेंट की बात करो या फिर कॉमेंट्री की बात करो, बट कॉमेंट्री आप करते हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जहाँ पर आप कोचिंग करते हो तो आपका रोल थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, आप उतना इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो प्लेयर्स के लेवल पे या फिर टीम के लेवल पे, आप टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल प्लेयर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा पैशन है उसके अंदर, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को हेल्प करूँ वो लड़का तैयार होकर अच्छा क्रिकेट खेले, या कोई टीम को आप तैयार करो वो टीम अच्छी करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एक हैप्पीनेस देती है। जस्ट एज अ बैट्समैन जब आप जाके 100 बनाते हो तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है, और वो जाहिर सी बात है कि आप क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हो, तो आई फेल्ट कि दिस इज़ प्रोबेबली द राइट थिंग फॉर मी टू डू आफ्टर यू नो हैंगिंग माय बूट। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन एनालिस्ट जो पाकिस्तान लीग में काम कर रहे थे, और अगर उनको पाकिस्तान सुपर लीग में दुबई में भी काम करना अलाउ है तो कोचेस को भी अलाउ होना चाहिए और प्लेयर को भी अलाउ होना चाहिए खेलने, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि अंपायर्स भी जाके आईपीएल में पाकिस्तानी अंपायर्स इन्वॉल्व होते हैं और इंडियन एनालिस्ट पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लेयर क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इल्म में भी था कि 2-3 जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो पीएसएल में काम करते हैं और इसीलिए कर रहे थे वो, क्योंकि
वो ही यूएई में दुबई में हो रही थी, बट जैसे पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया तो उन लोगों को दिक्कत आ गई और वो लोग जाहिर सी बात है वीजा के इश्यूज हो गए और वो नहीं जा सके। और आईपीएल में भी जैसे पिछले में कई मरतबा आईपीएल में शोएब अख्तर ने काम किया है, रमीज राजा ने काम किया है, अंपायर जैसे आपने नाम लिया अंपायर आके काम करते रहे, केकेआर में वसीम अकरम कोच रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाबंदी है तो सभी पे होनी चाहिए पाबंदी, और अगर नहीं है पाबंदी तो किसी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से भी लोग जाने चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से लोगों को इधर बुला रहे हो तो फिर इंडिया से भी वहाँ पे जाने की इजाज़त होनी चाहिए, या अगर बंद करना है आपको तो सारे ही लोगों को बंद करो। तो मुझे लगता है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सारी चीजें खुलनी चाहिए वसीम भाई, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि इंडियन प्लेयर्स का पाकिस्तान सुपर लीग में आना पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर उठा सकता है, और पाकिस्तान प्लेयर का आईपीएल में जाना भी आईपीएल को एक अच्छा एक है ना पुश दे सकता है। तो होपफुली इन फ्यूचर कि ये चीजें रिज्यूम हो और हम लोगों की दोस्ती दोबारा से रहे, और मैं व्यूअर को बता रहा हूँ देख लें मेरी और वसीम भाई की कितनी अच्छी दोस्ती है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसी तरह रहते हैं, तो आपस में भी हम लोगों को हमारी जो थिंकिंग है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है, इंशाल्लाह वन डे गवर्नमेंट को थोड़ा इस बात का एहसास होगा और हमारी चीजें सही होंगी और हम इंडिया पाकिस्तान की सीरीज देखने को मिलेंगी दोबारा से। अच्छा वसीम भाई, आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि इंडियन की विमेन्स टीम और इंडिया की अंडर 19 या अदर जूनियर टीम ने काफी तरक्की की है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज, क्या वजह है कि इंग्लैंड की जो जूनियर लेवल और विमेन्स टीम है कि अचानक कई सालों के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है काफी ऊपर जा रहा है, उसकी क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ का इन्वॉल्वमेंट एज ए एनसीए डायरेक्टर, और उससे पहले वो इंडिया ए और इंडिया अंडर 19 के कोच बने थे, अब वो एनसीए के डायरेक्टर बन गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका विजन और उनका उनकी डायरेक्टरशिप बहुत मैटर करती है, उनका बड़ा रोल रहा है इन चीज़ों के अंदर, और अब तो वो एनसी के डायरेक्टर बन चुके हैं, तो वुमेन्स टीम भी उधर जाके प्रैक्टिस करती है, वुमेन्स टीम को भी मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया है, अंडर 19 बहुत सारे मैचेस खेलती है, उनको रेगुलर यू नो कोचेस अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, वो रेगुलर पूरा सीजन खेलते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप साल के 12 महीने आप प्रैक्टिस करते रहोगे खेलते रहोगे तो इवेंचुअली आपको इम्प्रूव होना है। तो उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अंडर 19 क्रिकेट बहुत आगे है काफ़ी कंट्रीज के मुकाबले में, वुमेन्स क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हुई क्योंकि उनको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है, उनको प्रैक्टिस फैसिलिटी, उनके जो मैचेस के जो कंडक्ट है और जो डोमेस्टिक उनको स्ट्रक्चर दिया गया है इवन अंडर 19 लेवल पे या रणजी ट्रॉफी लेवल पे, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है, और उनके मैचेस बहुत सारे टीवीज पे आते हैं तो मुझे उससे लगता है कि बहुत सारे यंग लड़कियों बहुत उनसे इंस्पायर होती है, हरमनप्रीत कौर हो गया या मिताली राज हो गया, जमाइमा रॉड्रिक्स, ये वो बड़े बड़े नाम है वुमेन्स क्रिकेट के, वो रेगुलर उनको देखते हैं तो आई एम श्योर वो लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं, दे वॉन्ट टू टेक अप क्रिकेट ऑल्सो। तो जाहिर सी बात है अगर आप उतना मैचेस खेलोगे आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इवेंचुअली आप इम्प्रूव तो होंगे। कोई आखिरी मैसेज बैट्समैन के लिए, वर्ल्ड के बैट्समैन स्पेशली पाकिस्तानी बैट्समैन आपको आपकी है ना गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहते हैं कि इतना मतलब 19,000 रन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर करना कोई मामूली बात नहीं है, तो एक छोटी सी उनको कोई एडवाइस, कोई मेंटली टफनेस की एडवाइस दे दें प्लीज। देना चाहूंगी तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं विदाउट डाउट, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि कोशिश करिए कि आप तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए, बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ कि दे ट्राई एंड अवॉइड 4 दिन का क्रिकेट या 3 दिन का क्रिकेट, वो कोशिश करते हैं कि मैं वाइड बॉल का क्रिकेट ही खेलूँ या T20 का, वो उतना हार्डवर्क में भी नहीं करना चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े रोल मॉडल्स है, विराट कोहली है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है, बाबर आजम है, केन विलियमसन है, अगर आप बैट्समैन हो, अगर आप बॉलर हो तो आपके पास रबाडा है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि और ये तीनों फॉर्मेट के लिए आपको वो स्किल सेट होना ज़रूरी है और वो स्किल सेट आप इम्प्रूव करिए, जब तक आप 30-32 साल के नहीं होते मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीनों फॉर्मेट का गेम अपना इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये आजकल के मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट की डिमांड है, इससे आप बच नहीं सकते, आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ T20 क्रिकेट खेलूँ,
फोर डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट को मैं अवॉइड करूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। अगर आपको क्रिकेट में अगर ग्रेट प्लेयर बनना है तो आपको तीनों फॉर्मेट में सर्वाइव होना है, तीनों फॉर्मेट में रन बनाना है, तभी आप कहीं जाके बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। अगर आप सिर्फ छोटे फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हो, क्योंकि बड़े फॉर्मेट में बहुत हार्डवर्क है, उसमें बहुत आपको ओवर्स डालने पड़ते हैं या उसमें बहुत फील्डिंग करनी पड़ती है या बहुत हार्डवर्क है इवेंचुअली, तो मुझे ऐसे लगता है दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। अगर जब तक आपकी फिटनेस आपको अलाउ करती है, यू शुड मेक श्योर कि यू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो। अगर आप फोर डे क्रिकेट अच्छा खेलते हो या फाइव डे क्रिकेट अच्छा खेलते हो, T20 क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते, तो उस पर मेहनत करो। और अगर आप वाइस वर्सा है कि आप T20 अच्छा खेलते हो टेस्ट क्रिकेट नहीं अच्छा खेलते, तो आप अपनी रेड बॉल क्रिकेट को इम्प्रूव करो, बट उसको अवॉइड मत करें। कि दैट इज, मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा एटीट्यूड आजकल के यंगस्टर्स में आता जा रहा है कि दे आर अवॉइडिंग रेड बॉल क्रिकेट, विच आई थिंक इज नॉट द राइट थिंग। क्योंकि जो रन आप फोर डे फाइव डे क्रिकेट में रन बनाते हैं, वो आपको जो हैप्पीनेस आपको देता है, आई डोंट थिंक दैट सेम हैप्पीनेस गिव्स यू इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मेक श्योर ये आप एटीट्यूड रखिए कि जब तक आपकी फिटनेस अलाउ कर रही, क्योंकि इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द मैराथन, मैराथन में आपको शॉर्टकट नहीं लगता, तो वो शॉर्टकट मत ढूंढिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी होगी तो आप टेस्ट क्रिकेट में जनरली एक्सपोज हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपने वो स्किल सेट को वैसा बनाएं, तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट में आप जाने पहचाने जाओगे। इससे अच्छा मैसेज और क्या हो सकता है वसीम भाई, आपके इस मैसेज से मैंने भी बहुत बड़ा सबक लिया कि मैं भी अपने लोगों को जो बच्चे हैं जिनको कोचिंग करूंगा अब यही मिसाल दूंगा उनको। वसीम भाई आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड आई होप व्यूवर्स आपने एंजॉय किया होगा वसीम भाई की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। ये थे वसीम जाफर, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, एंड थैंक यू वेरी मच। Please subscribe my channel, and if you like the interview, please like it as well. Thank you very much.